बेटे और पत्नी को लेकर संशय अब भी बरकरार है। देखिए, अगर घर की हम बात कर लें तो जितने भी अंदर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सिकबतुल्ला अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं उनकी देखरेख में हो रहा है। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी मौजूद हैं अंदर, उनका छोटा बेटा उमर अंसारी अंदर मौजूद हैं और तमाम रिश्तेदार वहां पर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अब्बास अंसारी जो सुभाषपा के विधायक भी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी ने परोल अप्लाई की थी हाईकोर्ट लखनऊ, हाईकोर्ट से नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कल उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब ऐसा लगता नहीं है कि वो संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि अब्बास अंसारी ने जो परोल अप्लाई की है उस पर क्या आगे प्रोसीडिंग हुई है। तो अब अगर उनके पक्ष में कोई फैसला भी आता है तो वो समय निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम जो तैयारियां देख रहे हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। और ये देखिए, उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके घर से लौट रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करके लौट रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं। और पुलिस का इतना काम जरूर है कि हाँ, चूंकि भारी भीड़ है यहाँ पे, उस भीड़ को मैनेज करना है और इस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व दाखिल ना हो पाए, ये कोशिश भी लगातार पुलिस कर रही है। और एक अब ये बात, जैसे अब्बास अंसारी की मैं बता रहा था कि वह मुश्किल दिख रहा है कि अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल हो पाएंगे। रही बात अफशा अंसारी की, तो वो फरार चल रही हैं, इनामी अपराधी हैं, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि अफशा अंसारी शामिल होंगे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कोशिश वो जरूर करेंगे। और ये देखिए, इनके जो चाहने वाले उनका भी ये कहना है कि वहां से जनाजा निकल गया है, हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग आ रहे हैं उनका भी ये कहना है, जनाजा उनके घर से निकल गया। हाँ, देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जनाजा उनके घर से निकल गया। करीब 1 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, जिस तरह की भीड़ ऋषभ आप दिखा रहे हैं वहां पर और बता रहे हैं वहां से जो लोग लौट रहे हैं मुख्तार के घर से, वो बता रहे हैं कि उनका जनाजा वहां से निकल चुका है। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसको लेकर किस तरह की वहां पर तैयारी की गई है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आगे यानी कि कब्रिस्तान तक किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखा दें कि जगह जगह यहाँ पर पुलिस तैनात है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं। जो पूरा रूट है उस पूरे रूट पर पुलिस प्रशासन की अच्छी खासी तैनाती है। ये देखिए उसके पैरेलल सड़क जो चल रही है, उस पैरेलल सड़क पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे तक पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पुलिस यहाँ पर तैनात है। पुलिस का ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ में शामिल ना हो पाए। जो मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, वो उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं और कहीं कहीं किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। हमारी पुलिस से भी बात हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारा ध्यान इस बात पे जरूर है कि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ में शामिल ना हो। अब जिस तरह से ऋषभ कहा ये जा रहा था कि हालांकि पुलिस आप बता रही कि पुलिस कह रही कि किसी तरह से वहां पर जाने आने की रोक टोक नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान पुलिस का है, लेकिन बीच में ये भी खबर आ रही थी कि आधार देखकर वहां पर एंट्री दी जा रही है और वहां पर व्यक्तियों को आगे भेजा जा रहा है, इस तरह की भी खबर है क्या? देखिए ऐसा कोई आधिकारिक रूप से ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन हाँ, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के अपने अपने तरीके होते हैं, तो वो उस तरीकों को अपना रही है। हालांकि डीजीपी की ओर से जो निर्देश हैं कि जो आम मानिंद लोग हैं, जो जहीन लोग हैं समाज के, उनसे संवाद कायम किया जाए, उनसे बात की जाए, जो धर्म गुरु लोग हैं, जो धर्म स्थलों से जुड़े हुए मानिंद लोग हैं, उनसे भी संवाद कायम किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन भी है, किसी की कोई आपत्ति भी है तो उस पर बातचीत की जाए। तो जैसा मैंने भी गाजीपुर में ये देखा भी है कि हाँ, ये प्रशासन की ओर से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मुख्तार के जो चाहने वाले हैं उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कुछ देर पहले हमने देखी थी। लेकिन अभी तमाम चीजें बिल्कुल कंट्रोल में हैं और जनाजा उनका कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। बिल्कुल, जनाजा निकल रहा है गाजीपुर से मुख्तार का, और ये वही मुख्तार है जिसका यहाँ किसी वक्त आतंक हुआ करता था, आज इसका जनाजा उठ रहा है। हालांकि वहां के लोगों का मानना है कि वो अपराधी नहीं थे, लेकिन अपराध की लंबी चौड़ी फेहरिस्त मुख्तार के साथ जुड़ी हुई है। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर मुख्तार आज अपने सीने पर गया है और बार बार यही कहा जा रहा था कि मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, हालांकि जब उसे पंजाब से लेकर बांदा जेल लाया गया था तब से उसकी तबीयत खराब थी, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से लगातार उसका चेकअप भी चल रहा था, लेकिन
कहा जा सकता है कि परसों जिस तरह से तबियत बिगड़ी, अस्पताल लेकर जाया गया, वहां पर हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर मुख्तार के हनक की बात की जाए, उसके क्राइम की बात की जाए, आज भले उसके समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खासतौर पर पूर्वांचल की बात की जाए तो यहां पर इसकी तूती बोलती थी। और जब ये निकलता था, मुझे याद है वो दिन जब ये ओपन जिप में निकलता था, लोग सर झुकाकर खड़े रहते थे, इसके आगे नतमस्तक होते थे और कई सारे क्राइम इसके ऊपर दर्ज है और आज भी उसे याद किया जाता है। उसी की सजा अब भी ये जेल में काट रहा था जब उसकी मौत हुई। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2005 से क्राइम की दुनिया में एक एक करके कीर्तिमान स्थापित किए। कीर्तिमान शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी भाषा में इसे कीर्तिमान हो सकता है कहा गया हो। 65 मुकदमे और उसमें कई में सजा, कई में आजीवन कारावास, और इन सब के बीच जब 18 वर्ष बाद आया तो उसका शव आया उसके वो, और अब उसका जनाजा अब से कुछ देर बाद निकलेगा। और यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े, मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, देखिए ठीक पीछे की ये एरिया को थोड़ा स्केच करने की कोशिश करें कि जहाँ व्हीकल्स अब रोक ली गई है क्योंकि किसी की भी हम लोग छत पे खड़े हैं यहाँ। और ये आप देख सकते हैं लोग जो जा रहे हैं, ये सब जनाजे में लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं और व्हीकल्स एक तरफ सब लाइन से खड़ी कर दी गई है क्योंकि इस गली में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारी व्हीकल्स खड़ी कर दिए जाए। अगर आप पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पूरी पैनी नजर बनाई है। कल जहां एक और ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया था, तो इसके अलावा 150 से ज्यादा LIO के कांस्टेबल्स लगाए गए हैं, 5000 सिपाही हैं, 5000 PID और होमगार्ड्स लगे हैं, 17 के करीब डिप्टी SPs की बात सामने आ रही है, 3 एडिशनल SPs हैं, DIG खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, DIG खुद 3 दिन से कैंप किए हैं, इसके अलावा SSP है, DM है, ADM सिटी है, SDM है, नायब तहसीलदार, यानी हर सरकारी मशीनरी सिर्फ इसलिए लगी है कि कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो और जो भी जनाजे में शामिल होना चाहता है उसको किसी प्रकार से रोका नहीं जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठाएं, अनड्यू एडवांटेज ना लें, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करें, कोई हॉक्स क्रिएट ना करें, कोई सीन क्रिएट ना करें, इसका विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई है। 3 लेयर्स पुलिस, PSC और पैरामिलिट्री, 3P का फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है, 3 दिन से एप्लीकेबल है और आज 3रा दिन है। और ये जो जनाजे की बात की जाए तो जनाजा अभी सब निकलेगा, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। ये इसलिए नहीं कि कोई किसी को डराना या पुलिस का उद्देश्य धमकाना, सिर्फ ये है कि ये चीजें शांतिपूर्वक ढंग से हो और शांति अमन चैन बना रहे, क्योंकि रमजान के इस मुबारक महीने में अब से कुछ दिन बाद रोजे लोगों के, रोजदारों के खत्म होंगे, उनके लिए त्योहार का दिन है, चीजें स्मूथली हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार से उसकी कार्डिक अरेस्ट आया, उसकी रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट हुई, डॉक्टर्स की बात की जा रही थी, पॉइजनिंग की बात आशंका की थी, जो जो चीजें थी उन पर संशय सब दूर किया गया। पहले एक डॉक्टर का पैनल, फिर 2 डॉक्टर्स का पैनल, फिर डॉक्टर्स के पैनल चेंज कराए गए, फिर लखनऊ से डॉक्टर आया, लखनऊ से दूसरा डॉक्टर आया, एक कार्डियो से रिलेटेड था, एक सर्जन उसमें था, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर्स से 6 डॉक्टर्स ने 5 से 6 घंटे की उसमें पूरी एक वर्कशॉप की, एक कवायद की, चीजों को, बॉडी को सुरक्षित सुरक्षा के घेरे में, रात में 2 बजे तक पुलिस के कर्मी, 48 ज्यादा पुलिस कर्मी, 2 डिप्टी SPs, 3 इंस्पेक्टर और 17 उप निरीक्षकों ने उसके शव को यहां लाया। और उसके बाद अब से कुछ देर बाद जहां इस वक्त हम खड़े, हमारे ठीक पीछे ये बैग का उस जगह का हिस्सा है जहां सुपुर्द के खाक होंगे, लेकिन इन सब के बीच जो हमारे पास चीजें फिल्टर होकर आ रही हैं कि उसकी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उसकी पत्नी अफशा अंसारी आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर आप दे रहे हैं, अफशा अंसारी आ रही है। सुबह 2 बुरके वाली महिलाओं को भी देखा गया था अंदर घुसते हुए, कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अफशा अंसारी हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इस तरह की खबर नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषभ और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्तार के जो समर्थक हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे रहे हैं, उसके अंतिम दर्शन को करने के लिए पहुंच रहे हैं। कब्रिस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी कब्रिस्तान में जो जनाजा है वो यहां पर लाया जाएगा, शव को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। और तीसरे कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की भीड़ वहां पर समर्थकों की दिखाई दे रही है मुख्तार के घर की तरफ जाती हुई। लोगों का कहना है कि वहां से जनाजा निकल गया है, कुछ देर में वहां पर पहुंच भी जाएगा और वहां पर दफन किया जाएगा मुख्तार के शव को। उसकी तस्वीरें भी कैमरे 2 से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम आपको, मुख्तार के घर की तरफ
चाहे वो आम लोग हो या फिर सुरक्षा बल हो। सुरक्षा बल खासतौर पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि समर्थकों की संख्या, समर्थकों का हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस को यह आशंका है। हालांकि पुलिस किसी को रोक टोक नहीं रही है, पुलिस जाने दे रही है मुख्तार के घर तक जनाजे में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस को आशंका इस बात की है कि कहीं इस भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रव ना करे, इसलिए खासतौर पर पैनी नजर बनी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, LIU की बात की जाए, हर तरफ नजर पुलिस की इस वक्त बनी हुई है और इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है। परसों से लेकर आज तक खूब सियासत हुई है, अलग अलग बयान भी आए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई संशय, कोई शंका ना रह जाए इसको लेकर पोस्टमार्टम से लेकर शव को घर पहुंचाने तक, यानी कि गाजीपुर पहुंचाने तक ये पूरा पुलिस के शव साथ ही रहा है और पुलिस इस बात को देख रही है कि कहीं उपद्रवी इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई उपद्रव ना कर ले, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार के घर से लेकर जो शमशान कब्रिस्तान है वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इस जनाजे की तस्वीर दिखाएंगे, लोगों का भीड़ हुजूम किस तरह से वहां पर उमड़ रहा है। लेकिन अगर मुख्तार की बात की जाए तो आज मिट्टी में मिलने जा रहा है माफिया मुख्तार। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें उम्र कैद की सजा उसे मिली हुई है, कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी लंबित चल रहे थे लेकिन उसकी तबीयत ने उसका साथ छोड़ दिया। मुख्तार की मौत हो गई हार्ट अटैक से और अब हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, वो मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। ऋषभ भैया लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, मुख्तार की मौत पर सियासत भी खूब हुई है, मुख्तार की मौत पर अलग अलग बयानबाजी भी हुई है और कहा जा रहा है कि आज जब मुख्तार को लेकर जाया जाएगा कब्रिस्तान, उस दौरान कुछ नेता भी पहुंचने वाले हैं, क्या इस तरह की भी कोई खबर है क्या? नीलू देखिए, मैं अपडेट कर दूं सभी दर्शकों को कि मुख्तार का जनाजा उसके घर से निकल चुका है और बमुश्किल 10 मिनट के अंदर वो कब्रिस्तान में पहुंच भी जाएगा। और यही ये सड़क है, देखिए अब इस पर धीरे धीरे से सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके जितने भी चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, कुछ लोग उनके घर तक गए थे और फिर इसके बाद उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो गए हैं और जनाजे के साथ वो निकल गए। बिल्कुल ऋषभ, आपको रोकना चाहेंगे, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो जनाजे की तस्वीर है। जनाजा निकल चुका है कब्रिस्तान में, कुछ देर बाद पहुंच जाएगा जहां पर उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जनाजे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस जगह पर आप खड़े हुए, क्या वहां से चीजें दिखाई दे रही हैं? जनाजा निकल गया है, कितनी देर में कब्रिस्तान पहुंच जाएगा? और लोगों को हम देख रहे हैं कि मातमे पूर्सी कर रहे हैं, वहां पर मातम मना रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि घर से कितनी दूर तक निकल गया है यह जनाजा। अमित, आवाज आ रही है क्या? लेकिन देख रहे हैं कि ये अब जनाजा निकल चुका है। जी 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 जी, बताइए अमित। जनाजा निकल चुका है और देखिए लोग अब नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग आपको हमारे स्क्रीन देख रहे हैं ये सब नमाज अदा करेंगे। अभी यहाँ के पेश इमाम ने अनाउंसमेंट की थी, कंधे से कंधा मिला के लोग रहे, लाइन बना के रहे और उसके बाद नमाज अदा करें। नमाज में 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो मातम इकट्ठे हुए हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे करके वो सीधे इस पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उसको पैन करके दिखाते रहें क्योंकि अब जो डिस्टेंस है 750 मीटर की है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब हम लोग ठीक इसके सामने एक की छत पे आए हैं क्योंकि अब जनाजा निकल के यहाँ सामने मस्जिद से होता हो इसी रास्ते के माध्यम से यहाँ पहुंचेगा जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ठीक सामने ये उनके पिता की वो है मजार है, उसी के या कब्र कहा जाए, उसके ठीक बगल में ये पूरा खुदाई का हो चुका है पूरा काम। पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको थोड़ा और बिल्कुल आप जब तक अपना कैमरा सेट कीजिए अमित, उस जगह को दिखाइए हमारे दर्शकों को। तब तक हम दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर भी कि किस तरह से जनाजा निकल चुका है। 700 मीटर की दूरी कब्रिस्तान से जनाजे की रह गई है, वहां पर पहले नमाज अदा की जाएगी जो कि अंतिम नमाज कही जाती है, जनाजे की अंतिम नमाज कही जाती है। वो नमाज पढ़ने के बाद फिर कब्रिस्तान में दाखिल होगी, ये जनाजा दाखिल होगा जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सैकड़ों समर्थक मुख्तार के जुटे हुए हैं। जनाजे को ले जाया जाएगा, कहा जा रहा है कि उनके माता पिता की कब्र भी है जहां पर मुख्तार को दफनाया जाएगा। कब्र पहले ही खोद ली जा चुकी है, 7.25 फीट की ये कब्र है जिसमें
जिसमें मुख्तार को दफनाया जाएगा। अंतिम मिट्टी की डालने के साथ ही मुख्तार दफन हो जाएगा, उसका आतंक भी दफन हो जाएगा। उसके जितने किस्से कहानियां थी वो लोगों के सामने अब रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से उसने अपराध को लेकर आगे बढ़ा, कई ऐसे मामले थे जिसको लेकर कि लगातार उस पर सवाल उठते रहे, लेकिन जो उनके अपने समर्थक हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है उससे मुख्तार एक बड़ा अपराधी, एक माफिया, एक डॉन कहा जा सकता है। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आप तस्वीरें जरा दिखाइए जनाजे की। देखिए, मैं नीरू जी आपको बताना चाहूंगा, अपने कैमरामैन ओपन से कहूंगा थोड़ा इसको और पैन करके दिखाइए, यही वो जगह है जहां से आप धीरे धीरे करके लोग जो इसमें सम्मिलित होने लगे आने लग रहे हैं, ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हम किसी की छत की एज पर खड़े हैं और ये ठीक सामने की अगर बात की जाए, ठीक सामने हमारे ठीक सामने कैमरे पे देखा जा सकता है कि उनके पिता की कब्र है। उसके ठीक सटा हुआ जो 8 फुट बाई 5 फुट गहरा जो कब्र खोदी गई है वो मुख्तार के लिए खोदी गई है, और इसके बाद यही सुपुर्दगी खाक हो जाएगा। इसमें सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो मिट्टी का डालने का था, जिस मिट्टी ऊपर से डाली जाती है उसको दाहिने बाएं दो तरफ स्लैब बनाया गया, लकड़ी के 9 पटरे लाए हैं, 12 इंच बाई 7 फुट 3 इंच के वो पटरे बताए जा रहे हैं, और लगभग 1 से 1.5 इंच मोटे पटरे हैं, ऐसे 9 पटरे रखे गए। इसके ऊपर एक शीट लाई गई है, शीट के रखने के बाद उसके मिट्टी डाली जाएगी, सब जिसे श्रद्धांजलि कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, इनकी भाषा में इसको मिट्टी डाला जाता है ताकि जितने लोग यहाँ सम्मिलित हुए, क्योंकि सब लोगों का पॉसिबल नहीं है। मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा ओपन, सामने गेट का ये दृश्य दिखाएं, ये सामने जिस व्यक्ति से बात हो रही है ये वही केयर टेकर इस जगह का है, बबलू भाई चांदमिया, और बबलू भाई ठीक सामने देखिए यहाँ सामने खड़े हैं, पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ACP यहाँ मौजूद है, SP क्राइम यहाँ मौजूद है, उनसे बात की जा रही है ये पहचानने के लिए कि कौन कौन परिजन उनके हैं, कौन परिवार के सदस्य हैं, कौन उनके ब्लड रिलेशन के, कौन उनसे रिलेटेड है, क्योंकि सबकी पॉसिबिलिटी अंदर पहुंचना नहीं है, क्योंकि नमाज अंदर नहीं, ज्यादा हुजूम वहां पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर इतने सारे लोग जनाजे में शामिल हो रहे हैं, क्या उनको पहले ही रोक लिया जाएगा, जो परिवारीजन है उन्हीं को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत मिलेगी, क्या इस तरह की बातें हो रही है क्या? चलिए, रवि भी हमारे साथ कब्रिस्तान के बाहर से जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए कि इस वक्त जनाजे की अंतिम नमाज पढ़ी जा रही है और इसके बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा मुख्तार को, वहां पर बहुत भारी तादाद में उसके समर्थक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि पुलिस इस बात पर बातचीत कर रही है खास तौर पर कि क्या समर्थकों को भी अंदर जाने की इजाजत होगी या सिर्फ जो नियर डियर हैं, जो कि क्लोज वन हैं, उनके उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा, उनके परिवारीजन को ही आज जाने दिया जाएगा, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, घर से रवाना हो चुका है जनाजा, और जनाजे में मैं पहले बता दूं कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही थी वो संख्या अब खासा बढ़ चुकी है, हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो आ चुके हैं। ऐसे में जो पुलिस ने जो प्लान तैयार किया था उस प्लान पर अब काम करना शुरू कर चुकी है। कब्रिस्तान के अंदर पहले ही मैंने बताया था कि आधार कार्ड देखने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जा दिया जाएगा, तो इसको लेकर के पुलिस अब बातचीत कर रही है जो कब्रिस्तान में, यानी कि जो उनके अपने घर के लोग रहेंगे, जो बहुत खास करीबी रहेंगे उनको प्रवेश देने की बात चल रही है। ज़्यादा लोग कब्रिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन जो संख्या है समर्थकों की वो कब्रिस्तान के बाहर रहेगी। जी, ये देखिए वही तस्वीर हुआ जिस तरह से अतीत के बात में हुआ था कि भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन जैसे ही जनाजा उठा वैसे ही हजारों की भीड़ देखी, और वही एक जो तस्वीर है यहां पे भी देखने को मिली है कि अचानक से हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो यहां पहुंच चुके हैं। हम जिस रास्ते पे खड़े हैं उस रास्ते से सीधे कब्रिस्तान कुछ ही दूर पर है, और ये पूरा रास्ता जो है अभी कुछ देर पहले लगातार जो समर्थक है वो जाते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि जो मेन रोड है वहां पर बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, अमित के पास चलते हैं। अमित, वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भारी तादाद में मुख्तार के समर्थक वहां पर जुटे हुए हैं, इस वक्त नमाज अदा की जा रही है, वो कौन सा स्थान है, क्या मस्जिद के बाहर का स्थान है, कितनी दूरी यहां से कब्रिस्तान की है और क्या हलचल वहां से देखने को मिल रही है? देखिए नीरू जी, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ थोड़ा और कैमरा पैन करिए। देखिए, अब लोगों को आना शुरू हो चुका है। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सामने यहाँ खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए एक लंबा
हजूम धीरे धीरे करके पहुंचता जा रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी दिख रहे हैं, आप देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुर्ते पहने हैं, कुछ ने एक लाल टोपी भी लगाई है। इनके अलावा यहां अंबिका चौधरी मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं और धीरे धीरे करके लोगों को आना शुरू हो चुका है। यहां देखा जा सकता है कि एक एक करके लोग अब यहां पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा ये टास्क है अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये पहले ही सूचना दे दी गई थी कि सिर्फ देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं और एक एक करके सब डेलीगेशन आगे जा रहा है, क्योंकि यहां पहले ही से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि यहां उतनी कैपेसिटी नहीं है। सिर्फ जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं या उनके नॉन फेलोज हैं या वो लोग जो उनके परिवार जुड़े हुए हैं, मगर ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि एक बार अनाउंसमेंट कर चुका था, उन्हें बता चुका था, उसके बाद भी ये जितने लोग यहां की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब जनाजा कुछ मिनटों में, मैं अपने कैमरा में से कहूं, ठीक सामने वो जो पोर्शन है जहां गैलरी में लोग इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके क्लब होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग टुकड़ियों में खड़े हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे, कुछ